सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा, अजनी में हत्या की वारदात, दो अपराधी गिरफ्तार। शराब सिगरेट पिलाने के बाद भी गालियां दिए जाने से आग बबूला अपराधी ने एक व्यक्ति को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात बुधवार की रात अजनी थाने के तहत अंबा शक्ति नगर में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक संदीप कृष्ण दुपारे 40 वर्षीय कपिल नगर मानेवाला मार्ग, जबकि आरोपी रहेश चैन सिंह महेश्वर 26 वर्षीय अंबा शक्ति नगर तथा उज्जवल मुके भिस्कर 21 वर्षीय बिनकर कॉलोनी मानेवाला है। संदीप की कुछ समय से मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। उसके परिवार में पिता तथा दो भाई है। परिजनों ने संदीप का उपचार भी कराया। उपचार को गंभीरता से नहीं लेने से संदीप व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा था। वह जब भी मन करता था घर से चला जाता था, दो चार दिनों बाद घर लौट आता था। इस वजह से परिजन भी उसके घर नहीं आने को गंभीरता से नहीं लेते थे। बीते 8-10 दिनों से संदीप अंबा शक्ति नगर परिसर में रह रहा था। कचरा अथवा बोतल बेचकर ही उसका गुजारा होता था। फुटपाथ पर ही रात में रहता था। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वह मारपीट तथा लूटपाट की वारदात में लिप्त है। मंगलवार की रात संदीप कचरा कबाड़ इकट्ठा करके अंबा शक्ति नगर से जा रहा था। उसे सब्जी की दुकान के पीछे आरोपी शराब पीते हुए दिखाई दिए। संदीप ने आरोपी से सिगरेट मांगी। सिगरेट पीने के बाद वह आरोपियों के पास ही बैठ गया। आरोपी ने उसे शराब पिलाई। रात 2:15 नशा चढ़ने से संदीप खो बैठा। वह आरोपियों को गाली देने लगा। इससे आरोपी आग बबूला हो गए और उन्हें समीप पड़े पत्थर से सिर पर वार करके संदीप की हत्या कर दी। गुरुवार तड़के 5 टहलने के लिए निकले लोगों को संदीप का शव दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो दो युवक हमला करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब परिसर के लोगों को फुटेज दिखाई तो उन्होंने राकेश को पहचान लिया। पुलिस ने तत्काल राकेश के घर पर दबिश दी। हिरासत में लेते ही उसने उज्जवल की मदद से हत्या करने का कबूल किया। पुलिस ने उज्जवल को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसी साथ खास खबरों को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।